और अब बात कर लेते हैं कल हुई वोटिंग की, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्या निकल कर आया, कितना प्रतिशत रहा। तो कल लोकसभा के चुनाव के पहले चरण की 91 सीटों पर मतदान के दौरान क्या 2014 जैसा एक तरफा रुझान दिखाई दिया है क्या? बीजेपी ने दावा ये किया कि उसे फिर मोदी लहर दिखाई दी। खुद पीएम मोदी ने भी कहा कि वोटिंग ने विरोधियों को पस्त कर दिया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के साथ 91 सीटों के चुनावी नतीजे ईवीएम में लॉक हो गए, साथ ही सियासत के कई सूरमाओं की किस्मत भी। असम के सिलचर की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें फिर एक लहर दिखाई दे रही है। फिर एक बार जबरदस्त लहर दिखाई दी है। चुनाव के पहले राउंड में पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के वोटर सबसे तेज दिखे, वहीं महाराष्ट्र और बिहार के वोटर सबसे सुस्त। पहले राउंड में त्रिपुरा की एक सीट पर 81.08% और पश्चिम बंगाल की दो सीटों पर 81% वोटिंग हुई। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर 63.69% मतदान हुआ। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर 66%, तेलंगाना की 17 सीटों पर 60%, असम की 5 सीटों पर 68%, ओडिशा की 4 सीटों पर 68%, उत्तराखंड की 5 सीटों पर 57.85%, छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर 56%, जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर 54.49% वोट पड़े। महाराष्ट्र की 7 सीटों पर 56% वोट पड़े, जो 2014 के चुनाव से 7% कम है। बिहार की 4 सीटों पर सबसे कम 50% वोटिंग हुई। बिहार में 2014 के चुनाव में भी 50% ही वोट पड़े थे। फर्स्ट टाइम वोटर से कहूंगा कि वो अपना वोट बहुत सोच समझ कर डाले। बीजेपी को इस बार पूर्वोत्तर राज्यों से भी बड़ी उम्मीदें हैं। लोकसभा चुनाव की वोटिंग में मणिपुर की 1 सीट पर 78.20%, मेघालय की 2 सीटों पर 67.16%, अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर 66% वोट पड़े। 2014 में यहां 80% वोटिंग हुई थी। नागालैंड की 1 सीट पर 79%, सिक्किम की 1 सीट पर 69%, मिजोरम की 1 सीट पर 60%, इसके अलावा अंडमान निकोबार की 1 सीट पर 70.67%, लक्षद्वीप की 1 सीट पर 66% वोटिंग हुई, जो 2014 के चुनाव में 86% थी। पहले चरण के साथ मोदी सरकार के कई मंत्री और कई विपक्षी नेता अपनी चुनावी चिंता छोड़कर प्रचार के लिए फ्री हो गए हैं। लोगों का पॉजिटिव वोट है, विकास के लिए है और उत्साह है। ये तीनों बातें लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी है। मैं नागपुर की जनता के लिए बहुत खुशी जताता हूँ। लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण अब 18 अप्रैल को है। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 लोकसभा सीटों पर वोट पड़ेंगे।